ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, उसका मतलब ईसा मसीह और खुदा एक ही है। लॉरेंस मोंटेरो ये कहते हैं कि जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू द फादर बट बाय मी। इज ही नॉट क्लेमिंग डिविनिटी? दो सवाल जो आए जहां ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू माय फादर बट बाय मी, और दूसरे का कहते हैं ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। ये दो वर्सेस से बाइबल से ये साबित होता है कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा किया, खुदा बनने का दावा किया। इसके सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। हवाला नहीं दिया ने, पहले वर्स का हवाला था गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, और दूसरा जो वर्स थी वो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 9 है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्स नंबर 1 की तरफ और फिर पढ़ना पड़ेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि आपको खुदा पे भरोसा है तो मुझ में भी भरोसा कीजिए, मेरे वालिद के पास बहुत से घर है। इफ यू हैव फेथ इन गॉड हैव फेथ इन मी आल्सो, इन माय फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस, मेरे वालिद के घर में बहुत से कमरे बहुत से घर है। आई गो देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए। यू नो वेयर आई गो, आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं। तो यहां फिलिप ईसा अलैहि सलाम से कहते वी डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, फिलिप कहता है मैं नहीं जानता आप कहां जा रहे। तो ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी। ईसा अलैहि सलाम फिलिप को समझाते हैं मैं ही वो तरीका हूं, मैं ही हक हूं। आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी, कोई भी आदमी मेरे वाले तक नहीं पहुंच सकता बिना मेरे। इससे यह साबित होता है कि ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं कि अगर आप जो मैंने तरीका कहा है, मैंने जो सिखाया है उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप मेरे वालिद तक पहुंचेंगे, तो आप खुदा तक पहुंचेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी कोई रसूल इस दुनिया में आए, जो भी पैगाम ले आए, वो पैगाम इंसानों को खुदा तक पहुंचाता है। तो ईसा अलैहि सलाम के टाइम पे हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ही तरीका थे खुदा तक पहुंचने का। एट द टाइम ऑफ जीसस पीस बी अपॉन हिम, जीसस वाज द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। लेकिन मूसा अलैहि सलाम के टाइम पे मूसा अलैहि सलाम हक थे, मूसा अलैहि सलाम तरीका थे, कोई भी आदमी खुदा को मूसा अलैहि सलाम के तरीके के बिना नहीं पूछ सकता था। खुदा को पूछने का था तो मूसा अलैहि सलाम के तरीके से। At the time of Moses, Moses peace be upon him was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses peace be upon him. लेकिन आज की तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। At the time of Muhammad peace be upon him, until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad peace be upon him. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, जब भी वो आए और क़यामत तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे और आज के टाइम पे क़यामत तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, हक है। कोई भी आदमी खुदा तक पहुंचना चाहता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो ही आप खुदा तक पहुंचेंगे। यहाँ ये नहीं साबित होता है कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा किया। आगे वर्स नंबर 7 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं नाउ यू नो द वे एंड यू नो गॉड। तो फिलिप कहते हैं यू शो अस गॉड एंड वी विल बिलीव, आप खुदा को दिखाओ और मैं मान जाऊंगा। फिर ईसा अलैहि सलाम कहते ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर, जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। इससे यह साबित होता है जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं पीस बी अपॉन ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर, सीइंग इज नोइंग गॉड, मींस इफ यू नो मी, ईसा अलैहि सलाम कहते यू हैव सीन गॉड, अगर आप मुझे जानते आप अल्लाह को देख चुके, खुदा को देख चुके। तो फिलिप कहते हैं खुदा को दिखाओ किधर है, तो वो कहते He that has seen me has seen the Father. जो मुझे देखा खुदा को देखा, मतलब जो मुझे समझा खुदा को समझा। Seeing means knowing. उसके बाद फौरन आता है कि जो मैं काम करता हूं उससे साबित होता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। ये अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और खुदा नहीं थे। खूब ध्यान से सुनो।
पेपर स्लिप पर आए हुए सवालात के ये आखिरी सवाल है इस कड़ी का। आपने कहा है कि लिबास दूसरे मजहब की यकसानियत वाला ना हो। आपने जो लिबास पहना है जो ईसाइयत की मुशाबियत वाला माना जाता है, ये क्या है? सवाल पूछने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। भाई ने सवाल पूछा है कि जो मैं लिबास पहना हूँ, कोट टाई शर्ट पैंट, ये ईसाई मजहब की निशानी है, तो क्या जायज है? तकरीर में तो मैंने कहा कि वो लिबास जो दूसरे मजहब की निशानी है, हराम है। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। लोग को गलत फहमी है कि टाई और कोट ईसाई मजहब की निशानी है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि टाई ईसाई की निशानी है। ये गलत फहमी है लोगों में कि टाई क्रॉस की निशानी है। मैं जानता हूं कई मुसलमान सोचते हैं टाई इज अ साइन ऑफ क्रॉस, ये टाई सलीब की निशानी है, इसलिए हराम है। अगर हम तहकीक करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें लिखा हुआ है ये टाई सबसे पहली बार पहना गया था इन बोस्निया टू कीप द गारमेंट्स ऑन द बॉडी। ये बोस्निया का एक कल्चरल ड्रेस था, शुरू हुआ उधर, लाइक अ बोट टाई स्टार्टेड देयर। और बोस्निया में कौन लोग रहते? उसमें मुसलमान रहते, वहां से शुरू हुआ और फिर फैला। ये टाई ईसाइत की निशानी है ही नहीं। और एक रिसर्च किया गया था एक शख्स ने रियाद में इसके ऊपर ही, उसे कहीं भी ये नहीं मिला कि टाई ईसाई की निशानी है। ये तो हमारे मुसलमान जो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, ये कहते ये टाई और कोट, अगर आप कहते वेस्टर्न कल्चर, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये कहना कि ईसाई की निशानी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं। आप अब्रॉड जाएंगे तो हिंदू भी कोट टाई पहनता है, मुसलमान भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है। ये हमें गलत फहमी है कुछ मुसलमानों को। और जब आप ये अरब लोग जो टोप पहनते, हाथ ऊपर करते हैं, तो अगर पहना हुआ इंसान और हाथ ऊपर करता है, वो तो लिखता है क्रॉस जैसा, लेकिन थोड़ी तो ईसाई मजहब में निशानी है ईसाइत की, वो तो पहन सकता है। लोग बोलते शर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो। कमीज अरबी लफ्ज शर्ट के लिए, कमीज का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह है, सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12, कुर्ते का जिक्र है ही नहीं। कमीज का जिक्र है कुरान मजीद में, क्या है? जानते यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते और पीछे से शर्ट फट जाता है, उसका जिक्र है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कमीज कैसा था, हो सकता है ऐसा ना हो, बट कमीज का जिक्र है। तो लोग को गलत फहमी है के शर्ट कोट टाई, आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। वो कल्चर अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर ये वेस्टर्न कल्चर है कोट पहनना, शरीयत के खिलाफ है तो हराम है, शरीयत के खिलाफ नहीं तो मुबाह है। लेकिन और एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर में, शॉर्ट्स पहनना, ये कल्चर शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि मर्द लोग का सतर है नाफ से लेके घुटने तक। तो अगर मैं कहूं कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके शॉर्ट्स पहनूंगा तो हराम हो जाएगा, क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। लेकिन शरीयत में कहीं नहीं लिखेला टाई मत पहनो, कोट मत पहनो। तो टाई और कोट पहनना मुबाह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्तहब है, मुस्तहब ने फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, मुबाह है। पहनने का तो पहनो, मत पहनने का मत पहनो, अच्छा लगता है पहनो, नहीं लगता है छोड़ दो, मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूं। और मैं भी हमेशा नहीं कोट टाई पहनता हूं, क्योंकि मैं सैटेलाइट पे आता हूं और मुख्तलिफ मुमालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है, तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूं। ये इस्लाम में मुबाह है, आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है, ये आपको गलत फहमी है। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। आप सबकी तरफ से, इस कैंपस के सब जिम्मेदारों की तरफ से, डॉक्टर